हे एवरीवन, मैं बनाऊंगी कोफ्ता करी। लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लेंगे। अब ये पेस्ट इसमें ऐड कर लेंगे। ये है भुना चना, चने को मैंने पीस लिया है और मैं इसमें ऐड करूंगी नमक, कुटी लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसकी गोलियां बना लेंगे। इस टाइप से गोली बन जाएगी। ये गोलियां हमारी बन चुकी है। अब हम मसाला तैयार कर लेंगे। सरसों का तेल ले रही हूँ, चिल्ली कटी हुई प्याज डालूंगी, गरम मसाला ऐड कर लूंगी, खड़े मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट। अब टमाटो प्यूरी ऐड कर लेंगे, थोड़ी दही डाल दूंगी, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, मीट मसाला। अब ये अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें डालेंगे पानी। नेक्स्ट पानी ऐड करूंगी इसमें। आप चाहे तो इसको तल सकते हैं ग्रेवी डालने से पहले, बट मैं ऐसे ही ये पसंद करती हूँ। मैं ये एक एक करके डाल दूंगी। डाल देंगे। बीस से पच्चीस मिनट के लिए ढक के रख देंगे। चेक कर लेते हैं। हाँ, ये अब इसमें ऐड करूंगी मैं धनिया, ये पक चुका है अच्छे से, हरी मिर्च। कोफ्ता करी हमारा रेडी है।